हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको कीमा फ्राई की रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने ऑलिव ऑयल लिया है हाफ कप, और उसके बाद 1 टीस्पून फुल हमने उसमें क्यूमिन सीड्स डाल लिए हैं। अब इस चॉपर में हमने जिंजर और गार्लिक डाल लेना है। 1.5 इंच की जिंजर है और 1 होल गार्लिक है, और इसको हमने मोटा मोटा पीस लेना है। चॉपर ना यूज़ करना हो तो बेशक कुंडी में हाथ से ही कूट लें। और ये देखिए, ये इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इस कीमे में हमने पानी नहीं डालना है। ज़ीरा इतने में गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें 2 to 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज जो हैं वो काट कर डाले लेते हैं। हमारे पास सिर्फ फ्रोज़न ही हैं इस वक्त, फ्रेश टोमेटोज जो हैं घर में मौजूद नहीं हैं। ये फ्रेश ही हमने गार्डन से तोड़ कर फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इनको हमने कैंची से काट कर डाला है। 2 मिनट के लिए हमने काटने से पहले इनको माइक्रोवेव में रखा है। अब जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनकी ग्रेवी सी बनने लगे, तो उसमें आपने ये जिंजर और गार्लिक जो पीसा था वो डाल देना है। ज़रा सा हमने चॉपर जो है वो रिंस किया है, बिल्कुल ज़रा से पानी से। अब हमने इसको थोड़ा सा हिला देना है, और फिर हमने इसमें 1 टीस्पून फुल सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर का डाला है जो कि हॉट है, और 1/3 टीस्पून जो है वो हमने टर्मरिक का डाला है यानी कि हल्दी का। इसको अब हमने पकते रहने देना है, ढकना नहीं है। यहाँ पर इसको बनाने की एक खास ट्रिक है जो कि हम आपको बताते चलें। यूजुअली आपने देखा होगा कि कीमा जो है वो गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाता है, उसके लम्प्स बन जाते हैं। तो जब हम फ्रीज़र से कीमा निकालते हैं तो उस प्लास्टिक बैग में जिसमें हमने कीमा रखा होता है 1-2 सुराख कर देते हैं नाइफ की टिप से ही, और उसको फिर हम हॉट वाटर में भिगो देते हैं। तो पानी जो है वह थोड़ा सा उन सुराखों में से रिस कर कीमे में चला जाता है। उससे ये होता है कि जब हम उस कीमे को उस पैकेट से निकालते हैं, वो पानी का भरा हुआ तो नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी उसमें गया होता है, लेकिन वो कीमा जो है उसमें वो जो लेस है वो उसकी ख़त्म हो चुकी होती है पानी की मौजूदगी की वजह से। तो उससे फिर वो कीमा जो है वो अलग अलग बिखरा बिखरा सा बनता है, फ्राइड कीमा सा। तो ये जो शक्ल आपको दिखाई देगी ये इस वजह से है कि हमने इसको इस तरह से पानी में भिगो के रखा है एक बैग के अंदर। अब कीमे का अपना पानी निकलेगा और खुद ही इसमें सूख जाएगा। इतने में हमने हरी मिर्चें जो हैं खूब सारी वो काट कर रख लेनी है, और फ्रेश कोरिएंडर जो है वो भी हमने काट कर एक तरफ रख लेना है, और फिर इस कीमे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गुलाबी दिखाई देने लगे, पता लगे कि ये पक गया है, बहुत अच्छी तरह से ऑयल में तला गया है। उस वक्त हमने इसमें जो हरी मिर्चें और धनिया है वो डाल देना है, और 1/2 टीस्पून फुल जो है हमने इसमें प्योर पिसे हुए गरम मसाले का डाला है, जिसकी रेसिपी हमने अभी आपको अपने चैनल पर दी है। तो इस गरम मसाले में काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, और दालचीनी है, सिनेमन, क्लोव्स, ब्लैक पेपर और ब्लैक कार्डमम। और फिर हमने इसको थोड़ा सा हिलाकर इसकी आँच बंद कर देनी है। तो यह कीमा जो है ये दही के साथ, नान के साथ, पराठों में, पैटीज में, सैंडविचेस वगैरह में बहुत अच्छा रहता है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपका बहुत मज़ेदार बने और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।